हे व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए है वो एक गुड न्यूज़ है। आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजेस अंडर कंस्ट्रक्शन थे, बट अभी वो कंप्लीट हो चुके हैं और एनसीआई की तरफ से 7 मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल भी मिल चुका है एंड अभी 2 पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। लेकिन आपको पता है कि आपका OMR शीट आंसर की रिलीज हो चुका है एंड 17 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया गया है। अगर आपको कोई भी आंसर की या रिकॉर्ड रिस्पॉन्स को लेकर चैलेंज फिल करना है, उसका प्रोसीजर मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। अगर आपको उसको एसेस करना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। अभी ये जो 7 कॉलेजेस को अप्रूवल मिला है उसकी वजह से 700 सीट्स इंक्रीज हो गई है, यानी कि वो नीट 2021 में ऐड होगी। क्योंकि आपको 17 अक्टूबर तक का चैलेंज फिलिंग का टाइम मिला है, उसके बाद आपकी रिजल्ट डेट डिक्लेयर होगी, फिर आपकी काउंसलिंग। ये जो टाइम पीरियड है तब तक श्योरिटी है कि आपकी वो जो 2 मेडिकल कॉलेज है उनको भी NCI की तरफ से अप्रूवल मिल जाए, फिर आपकी टोटल 900 सीट्स इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपके कट ऑफ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि कट ऑफ भी काफ़ी लो जाएगा। अब आपको कैसे यूपी उत्तर प्रदेश का इंक्रीमेंट है तो आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट आपको यूँ मिलेगा कि आपको ऑलरेडी पता है कि ऑल इंडिया कोटा में 15% रिजर्वेशन है। 15% रिजर्वेशन यानी कि 15 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल 135 सीट्स आ जाती है और उन 135 सीट्स में आपके पास भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस है। आपने अभी तक अपना बेस्ट दिया, पूरी मेहनत के साथ आपने नीट 2021 का पेपर दिया एंड होपफुली आप इसको क्वालिफाई भी कर लेंगे और आपकी आने वाली लाइफ के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच।